आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख आवाज घर घर। नाजरीन फिर से एक बार एसटीवी लद्दाख की टीम अभी जोजला में पहुंचे हैं आप लोगों को जोजला का अपडेट देने के लिए कि यहाँ पे रोड का आमद रफ कश्मीर और कारगिल की तरफ, कारगिल और कश्मीर की तरफ कैसा है और मूवमेंट क्या है, यहाँ से कितने बजे गाड़ियों को अलाउ किया जाता है कारगिल की तरफ सोनमर्ग से और सोनमर्ग मीनामर्ग से कारगिल की तरफ कितने बजे अलाउ किया जाता है और कट ऑफ टाइमिंग क्या है और उसके बाद भी ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा रहता है, यहाँ कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी को लेकर आज हम जोजला पहुँचे हैं हमारे पूरे एस टी लद्दाख की टीम। आप देख रहे इंडिया गेट पे जहाँ पे 11 बजे सोनमर्ग से ट्रैफिक मूवमेंट क्लोज होता है ऊपर चढ़ने के लिए कारगिल की तरफ और वैसे ही कारगिल से भी 6 बजे सुबह गाड़ी अलाउ करते हो, 1 बजे यहाँ से भी, 11 बजे यहाँ से भी कट ऑफ टाइम है मीनामर्ग से श्रीनगर की ओर। अभी जो गाड़ियाँ आज जो है श्रीनगर से कारगिल की तरफ आ रहा है तो 11 बजे जब जहाँ भी सोनमर्ग में कभी कट ऑफ होना चाहिए अभी बराबर ठीक 3 बजे आप मेरे पीछे देख रहे हो चक्के और छोटे गाड़ी अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं। सोनमर्ग के एडमिशन इस तरह क्यों करते हो और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले बार जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुए थे 0 पॉइंट से आगे आके टाटा मोबाइल जो कि वहाँ पे भी रेस्क्यू के लिए मीनामर्ग से हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट का पुलिस आ जाते हैं तो यहाँ भी जब कभी गाड़ी फंसे होते हैं तो कारगिल से मीनामर्ग के जितने भी हमारे पुलिस के हमले हैं वहाँ एस ओ की क़यादत में वो लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे रेस्क्यू हमेशा वो लोग करते हैं। क्या तो क्या सोनमर्ग का जो जुडिशियल होता है बराबर 0 पॉइंट पे उनका एंड होता है जहाँ पे अभी आप टूरिस्ट को देख अगर कारगिल के कोई गाड़ी अगर सोनमर्ग से कारगिल की तरफ आ रहे लद्दाख की तरफ अगर आना चाहता है तो वहाँ से रोका जाता है, बोलता ही नहीं वहाँ से गाड़ियाँ आ रहा है या काम कर रहा है तो वहाँ पे जो जोजला आप अगर देखें तो कंजस्ट जो एरिया है हमारा मेन है जोजला जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये है जोजला, ये होता है कंजस्ट एरिया और ये डेंजरस एरिया है। यहाँ पे जब टूरिस्ट को लेकर कश्मीरी गाड़ी 0 पॉइंट तक आ सकते हैं तो हमारे लद्दाख की गाड़ी क्यों नहीं आ सकता है, 0 पॉइंट से आगे जो है कुछ डेंजरस है नहीं है, वहाँ से आगे तो कारगिल की बॉर्डर वहाँ से लद्दाख का बॉर्डर शुरू होता है तो वहाँ से कोई डेंजर से नहीं, कश्मीरी गाड़ियों को 0 पॉइंट तो अलाउ करता है जबकि जो डेंजरस एरिया सोजला इन सब को छोड़ के वो लोग गाड़ी वहाँ पे चले जाते हैं तो खाली कारगिल की गाड़ियों को वो लोग रोक के रखते हैं तो उसका वजूहत क्या है ये भी हम गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहते हैं और गांधरबल SP साहब ये भी जानना चाहते हैं कि कभी जब यहाँ पे कुछ रेस्क्यू होता है तो कभी हमने गांधरबल की पुलिस को आगे रेस्क्यू करते हुए कभी नहीं देखा, जब भी देखा हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट की मीनामर्ग की पुलिस को हमने यहाँ पे रेस्क्यू करते हुए देखा है। सिराज मोहम्मद सलीम के साथ मैं नासिर हुसैन जैदी STV लद्दाख। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आप एज ए टूरिस्ट आप कहाँ से आए हो सर? लुधियाना से पंजाब से। तो कहाँ तक चले जाओगे आप लोग यहाँ से? ले लद्दाख जा रहे हैं। ले जा रहे हैं तो आप ये जानना चाहते अभी आप रुके हो 0 पॉइंट पे जहाँ पे है यहाँ पे कुछ साइट सीन भी है, हाँ जी, कुछ सोनो बाइक वोनो बाइक भी है, क्या आप गया सोनो बाइक पे थोड़ा सैर करने के लिए? हाँ जी गया तो वहाँ पे क्या रेट क्या है, वहाँ पे कुछ देखा आप लोगों ने? रेट बहुत ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ऐसे ले रहा है ना, गाइडर जो है वो खराब करते हैं जी, हम सीधा जाएंगे तो कम है, गाइडर जाएगा तो अपना 200-500 बनाता है। अच्छा वो कमीशन निकालता है वो इस पे? हाँ कमीशन निकालता है। ठीक थोड़ा सा इस वजह से हमें बुरा लगा। तो ये अभी जो आप होटल पे रुके हो यहाँ पे कुछ खा पी रहे हो तो उसमें आपने कुछ रेट का देखा क्या है कि वहाँ पे जायज रेट ले रहे हैं कि ज़्यादा ले रहे हैं क्या है? नहीं ये तो ठीक ले ठीक ले रहे हैं। हाँ। तो हमने सुना यहाँ पे मैगी जो है आपको प्लेन मैगी 60 रुपये का दे रहे हैं तो क्या ठीक लग रहा है आपको? नहीं नहीं। हाँ हाँ 10 रुपये का मैगी 60 रुपये फिर आपको ठीक लग रहा है? कमाना ही है वो भी यही कहते हैं आप हम जैसे टूरिस्ट पर ही है वो अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं नहीं आप हम ये जानना चाहते कि आप चलो आप ऐसे मतलब आपकी गुंजाइश आप दे के चले जाओगे इनको कि जितना कुछ ऐसे भी टूरिस्ट होते हैं जिनकी मतलब इतना बजट नहीं होता है, एक लिमिट तो होनी चाहिए बंदे पे, एक लिमिट तो बनाना चाहिए, 10 वाली चीज 20 ले लो 30 ले लो 60 तो ज्यादा वही कह रहा हूँ, 10 रुपए के मैगी है तो 10 रुपए बनाने का ही लो, 10 बनाने का लगा लो, 5 रुपए चलो इनको प्रॉफिट भी चाहिए मेहनत के ले लो 25 रुपए के उसकी जगह पे लोग 70 रुपए ले रहे हैं, कुछ जायज लग रहा है तो आप लोगों ने इनसे बात नहीं की ये कुछ एक्सेस रेट ले रहे हैं? अभी की नहीं करेंगे तो कोक का आप लोगों ने कोक कितना पूछ रहे लोग कोक के बारे में क्या बोल रहे हैं? कोक कितने का दे रहे लोग? कोल्ड ड्रिंक जो ₹40 का, जो कि ₹40 का क्या ₹30 का है, चिप्स कितने का दे रहे हैं इन्होंने ये भी पूछा आप लोगों? चिप्स भी MRP रेट से ज्यादा ही दे रहे हैं, जो MRP रेट है उससे ज्यादा दे रहे हैं। आप इनको इनको चाहिए कि मतलब रीजनेबल रेट होना चाहिए, कमा सारा साल का आज ही कमा ले वो।
जी भाई लोग कहाँ से आए आप लोग यहाँ पे? जय स्वामीनारायण, हम आ रहे हैं सूरत से। सूरत से? अच्छा, कितने दिन के बाद आप यहाँ पहुँचे आज कश्मीर? पाँच दिन के बाद इधर पहुँचे। तो अभी आप पहुँचे हो कश्मीर और लद्दाख की जो बॉर्डर है ना, LOC, समझो यही बॉर्डर है वहाँ पे। यहाँ की बात आपको लद्दाख शुरू होता है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? खूबसूरत, एकदम भगवान का खूबसूरत यहाँ पे इंडिया में है, तो ये बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे कुछ सोनो बाइक भी रखे हुए यहाँ पे नीचे टूरिस्ट के एंजॉय के लिए। क्या आप लोग वहाँ पे गया? अभी नहीं, अभी जाना है। भाव रेट करे लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है। अच्छा, रेट क्या नहीं है? कितना बोल रहे हैं अभी? 1600 बोल रहे हैं, 1200 बोल रहे हैं। कि कुछ घंटे के लिए की ग्राउंड के लिए? ग्राउंड के लिए। तो आपको क्या ये जायज लग रहा है 1600 रुपए? तो क्या आप लोग जाओगे इसमें? नहीं जाओगे? अभी तो सोच रहे जाएंगे हम। 41 लोग है, 41 गुना 1200-1600 करके कितना हो जाएगा? इसका मतलब आप लोग बस में आए हो? दैट मींस हां, बस में। बस में 41 ग्रुप में? पूरा बस है, पूरा। तो फिर यहाँ से आपका आगे का प्रोग्राम क्या है, कहाँ तक जा रहे हो? लद्दाख जाना है। नहीं, आज नाइट स्टे कहाँ पे आप लोग? कारगिल। कारगिल में? फिर कल आप जाओगे आगे? हाँ।